नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उमरिया जिले के करकेली रेलवे स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, विधायक, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा हजारों की संख्या में आज एकत्रित हुए। दरअसल मामला कोरोना कार्यकाल से जिन ट्रेनों का करकेली रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज था उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसे जनमानस, यात्री, समाजसेवी, युवा, महिला, यात्रा करने वालों के लिए बेहद परेशानी का सबक बन रहा। करकेली जैसे मुख्य स्थान पर जनपद पंचायत कार्यालय के साथ कई कार्यालय स्थापित है, पिपरिया कालरी भी लगा हुआ। ऐसी रेलवे स्टेशन से लोगों का की ओर आना जाना होता था। शिक्षा दीक्षा के मामले में भी छात्र छात्राओं को यहां वहां ट्रेनों के माध्यम से आसानी से यात्रा कर सकते थे, लेकिन ऐसी समस्या के चलते आज लोग बेहद परेशानियों से जूझ रहे हैं। पूर्व में भी लगातार मांग पर मांग करने पर एक लोकल शटल और डेमो ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया था, लेकिन जबलपुर, भोपाल, रीवा आन जाने वालों ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं दिया गया, जिससे लगातार रेल महाप्रबंधक से आवाज बुलंद करते रहे। लेकिन 6 दिसंबर को बिलासपुर रेलवे जोन KGM आलोक कुमार का निरीक्षण तय हुआ और अनूपपुर, शहडोल, करकेली, उमरिया में अपने विभाग की गतिविधियों देखपरख देखने का समय निर्धारित कर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके साथ पूरा रेल प्रशासन के अधिकारी, पुलिस व सभी विभाग के साथ साथ लोग चल रहे थे। ये सूचना मिलते ही पूरे करकेली नगर क्षेत्र के ग्रामीण जन व विधायक शिवनारायण सिंह, सरपंच संगीता सिंह प्रतिनिधियों के उपस्थिति में स्थापित ट्रेनों को बहाल करने को लेकर उनसे चर्चा कर ज्ञापन सौंपा है। करकेली से लगे सैकड़ों गांव के लोगों के लिए बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के दौरान रेल महाप्रबंधक को अवगत कराया गया ट्रेनों को समस्याओं को लेकर और सुविधाओं को लेकर, जिसमें इंदौर, बिलासपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रीवा, चिरमिरी ट्रेनों की मांग रखी गई। आश्वासन के रूप में रेल महाप्रबंधक आलोक कुमार ने 2 ट्रेनों का आश्वासन उपस्थित विधायक जनप्रतिनिधियों के समक्ष आश्वासन दिए हैं। इस बीच करकेली रेलवे स्टेशन रेल संबंधित स्टेशन मास्टर से चर्चा कर उन विषयों की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों से भोजन के बाद उमरिया, चंदिया, महानदी और भलवारा तक निरीक्षण किया जाना है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, थाना नौरोजाबाद प्रभारी अरुणा द्विवेदी, इंद्रेश सिंह, रेल प्रदीप नापित, युवा मंडल अध्यक्ष भैया बहादुर, शैलेंद्र सिंह, समीर द्विवेदी, संजय महोबिया, रोशन वीरेंद्र सिंह, विनय उर्मालिया, मनीष सिंह, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। ये निरीक्षण रेलवे में एक रेगुलर एक्सरसाइज है, विभिन्न स्तरों पे होता है। यहाँ पर जो हमारे सुपरवाइजर इंचार्ज हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद कनिष्ठ अधिकारी करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी जैसे DRM और ब्रांच ऑफिसर करते हैं, और एक जो है जोनल हेडक्वार्टर लेवल पे होता है। और उद्देश्य इसका ये होता है कि जैसे जनता से जुड़ना, जनता की रिक्वायरमेंट, जनता की परेशानी और उसके हिसाब से आगे जो विकास के कार्य हैं उनको डिसाइड करना। देखिए, ये एक्सरसाइज कमियां निकालने की नहीं है और अच्छाई पे खुश होने की नहीं है, ये देखने की है हमारा निरंतर सुधार होता रहे। जैसे हम मिलते हैं, पता चला कि एक साइड पे काउंटर है लेकिन शहर दूसरी साइड है, तो समय के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं, तो उसके साथ रेलवे को भी बदलना होता है। तो विभिन्न स्टेशनों पर क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, चाहे पब्लिक की हों चाहे हमारे कर्मचारियों की हों, वो हमें समझनी होती हैं और अपना जो आगे सुधार का डायरेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि परेशानियाँ दूर हों, सुविधा में सुधार आए। देखिए, ऐसा है, रेलवे जनता की सुविधा के लिए चलती है। जहाँ पर लोग की डिमांड है, लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, वहाँ पर हॉल्ट होता है। निश्चित तौर पर कम गाड़ियाँ रुकती हैं और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि रेलवे में एक पूरा सिस्टम है। हर टिकट जो बिकता है कंप्यूटर के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि कितने लोग उतरे, कितने चढ़े, कितने टिकट बिके, उसके हिसाब से हमें निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से बदलना होता है। और ये सब जो करी गई है कार्रवाई, ये बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से करी गई है, ताकि गाड़ी सही समय पे भी चले, सही तेज़ी से भी चले। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गाड़ी हर जगह रुकती जाए, तेज़ चलने वाली गाड़ियों को कम जगह रुकना होता है, पैसेंजर्स ट्रेन सब जगह रुकती है। ये रैशनलाइजेशन का पार्ट है और उसी के तहत करा गया। सर, बिरसिंहपुर, पाली और नौरोजाबाद करकेली में क्या सौगातें मिलेंगी सर, जिस तरह से लोगों में खुशी है, आस है? सौगात देने आए हैं ताकि आगे विकास उनकी जरूरतों के हिसाब से हो सके। ठीक है, जी, सर से बोला गया है कि जो ट्रेन अभी तक चल रही है उन्हीं को फिर से स्टॉप
टॉपिक किया जाए ताकि जनता को असुविधा ना हो। और हमारा प्रयास पूरे गांव का यही था कि जो अभी तक चलती रही है इस टॉपिक भी यहाँ पर मिल रहा है उनको फिर से शुरू किया जाए ताकि उनको जो अभी आने जाने वाले हैं उनको परेशानी ना हो। सर ने आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा ट्रेन तो नहीं अब दो ट्रेनों का दिया। ठीक, धन्यवाद। श्रीमान महाप्रबंधक डिवीजन बिलासपुर का अच्छा रुख रहा है। उन्होंने कहा कि हम आप सभी के जनता जनार्दन के हित में कुछ ट्रेनें खड़ा करेंगे। सभी ट्रेनें खड़ी नहीं हो सकती हैं, उसमें विदेश हो और सभी क्षेत्रवासियों का जिसमें आवागमन हो सके और उमरिया हो गया, नौरोजाबाद हो गया, करकेली हो गया, तो ऐसी आप ट्रेनों को मांग करें जिससे सभी क्षेत्रवासियों का लाभ मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन दो तीन ट्रेनें हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। कि रेल मंत्रालय के लिए आप लोग पत्राचार करें और टिकट के लिए कहा है कि यहाँ की टिकट बिक्री अगर होती है अच्छी तो निश्चित रूप से बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी करने का प्रयास हम करेंगे। और अच्छा रुख रहा, उनका अच्छा शासन दिए हैं उन्होंने और हमारे क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन का भी अच्छा सहयोग मिला जो, और GM से शांतिपूर्वक अपना बात रखी और उस बात के लिए GM साहब ने आश्वासन दिया। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।